ओ भैया क्या हुआ? खोल दिए पर्दे। वो देखो वो। ओ भाई कैसी है? अरे भैया देखो हेलमेट नहीं लगाए। बस एक्सीडेंट हुआ। ओ भाई, अरे भाई साहब क्या एक्सीडेंट हुआ है यार? अरे भैया यहाँ क्या हो गया? सो फाइनली गाइस, जैसे देख सकते हो आज की जो है दिन की जो स्टार्टिंग हो चुकी है, और आज जो है देख सकते हो भाई गाड़ी जो है मेरे सामने खड़ी हुई है। कमेंट करके बताना भाई कि क्या क्या जो है चेंजमेंट कराना चाहिए। ताई जी देखो जा रही हैं, और अभी बहुत सी चीज़ें जो है इस गाड़ी में मैंने सोच करके रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है गाड़ी का जो लीवर टूट गया था, इसको जो मेरे को चेंज कराना था। सो ये चीज़ जो है चेंज कराएंगे, एंड बहुत जल्दी ही गाड़ी की मॉडिफिकेशन मैं करना चालू कर दूंगा। ये मान के चलो मतलब टू क्लोज, पहले मैं बोला था 50,000, बट लेकिन हाँ 45,000 के सब्सक्राइबर के लम्बा अल्ले पल्ले जो है मान के चलो कि भैया मॉडिफिकेशन धीरे धीरे जो है हो जाएगी चालू। सो आज जो है जा रहे हैं सबसे पहले जो है भैया एयरपोर्ट की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि भाई कुछ कंटेंट अपने ऐसे जिनको मैं मिस नहीं कर सकता। और गाड़ी कर दी है मैंने स्टार्ट, और निकलते हैं फटाक से सीधे। भैया आज तो यार चिल्ड्रंस डे भी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने चिल्ड्रन से सबको जो है भैया हैप्पी चिल्ड्रन डे, एंड हम भी भैया चिल्ड्रन है तो खुद को भी जो है मैं कर लेता हूँ भैया हैप्पी चिल्ड्रन डे को। देखो हम जो भैया आ चुके हैं भैया हाईवे में, और भैया हाईवे कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यार सुबह के। अरे भैया यहाँ क्या हो गया? टायरवा पंचर हो गया वहाँ इनका। अरे बाप रे भैया, हाईवे में अगर टायर वायर पंचर हो जाता है ना तो बहुत हालत ख़राब होती है यार कसम से। और तुम्हारा भाई जो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है भाई, मतलब माने चलो मैं लगा ही हुआ हूँ, मतलब अपने यूट्यूब के अकाउंट पे प्रॉपर दिन रात जो ये सामने क्या हो गया यार। ओ भाई एक्सीडेंट हो गया है क्या ट्रक का? हाँ यार एक्सीडेंट। ओ माय गॉड, भाई कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यार, तो कितना ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यार। और प्रॉपर गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है, बचा तो होगा नहीं अंदर वाला, ड्राइवर तो बचा नहीं होगा। ड्राइवर तो अच्छा ड्राइवर बच गया, लग तो नहीं रहा है देखने में कि बच कैसे गया होगा। कूद गया था? अरे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यार, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ओ भाई, अरे भाई साहब क्या एक्सीडेंट हुआ है यार, ख़त्म हो गई गाड़ियाँ ऐसा लग रहा है। भैया बता रहे ड्राइवर जो है बच गया है, हमें तो नहीं लग रहा देखने में भाई, पूरा देख रहा हूँ आर पार, ट्रक का पूरा इतना गंदा एक्सीडेंट भाई, क्या बताएं। मिट्टी की लोड थी है, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हुआ भैया, पीछे से आ करके पूरा दे दिया एकदम। तो भैया देख एक करके चलाना चाहिए इस तरीके से, हमें लग रहा है इसने अचानक से ब्रेक मारी होगी, उसने पीछे से दे दिया ना, देख करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। हमें लग रहा है उसने अचानक से ब्रेक मारा होगा ना, उसकी वजह से जो है हुआ है ये। अरे भैया देखो हेलमेट नहीं लगाए, UP 78 DK 4528, इन लोग का हेलमेट जो है कभी नहीं लगेगा, हाईवे में चल रहे तब भी हेलमेट ही लगाएंगे, देख रहे हो। भाई सपोर्ट तो रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी मज़े लेने मज़ा आ जाती है। वो देख लो हम जो है आ चुके हैं रामा देवी, और रामा देवी से जो है राइट हैंड साइड जाएंगे सीधे चकेरी एयरपोर्ट के लिए। जैसे कि बहुत से लोग पूछ रहे थे भैया कि चकेरी एयरपोर्ट का रास्ता बता दो कभी, तो इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है रामा देवी चौराहे से जो है राइट हैंड साइड जाएंगे, देन आपको जो है चकेरी एयरपोर्ट का जो है रास्ता जो है आपको जो है रोड आपको जो है मिल जाएगी चकेरी एयरपोर्ट की। सो एयरपोर्ट के लिए आपको जो है सीधे राइट हैंड साइड का रास्ता जो मिलेगा चकेरी एयरपोर्ट के लिए, यही वाले रास्ते से आप सीधे जाएंगे तो आपको जो है चकेरी एयरपोर्ट जो है मिल जाएगा। तो भैया जैसे कि आप देख सकते हो आपको जो है एयरपोर्ट आने के लिए ये वाली जो रोड मिलेगी, आप उधर से इधर से आते हो आपको सीधे मिल जाएगा, अगर आप सामने की तरफ से आ रहे हो तो आपको घूम करके इधर से आना पड़ेगा, और वो जो सामने ब्लू कलर का शायद आपको बैनर दिख रहा होगा वही जो है एयरपोर्ट है। इस पता है यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होते होते क्या हो ही गया था, बल्कि मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, हमने इसी चौराहे से बंद कर दिया था कैमरा अपना, और यहीं से जो है एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक्टिवा जो है लड़ गई थी वो यहाँ पे जो पेंटिंग वेंटिंग बन रही थी, और बस वाले ने अचानक से काटा तो हम देख नहीं पाए। और बाकी सामने रहा एयरपोर्ट, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हो ना, ये एयरपोर्ट जो मेन एयरपोर्ट जो नहीं है अभी जो कानपुर में चल रहा है वो ये एयरपोर्ट, और उसके जस्ट बगल से राइट हैंड साइड से जो गली आ रही है
ये गली है मेन एयरपोर्ट की, जो कानपुर न्यू टर्मिनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसका। जहाँ भैया कानपुर टर्मिनल एयरपोर्ट के अंदर जो है इंटर कर जाते हैं और खड़ी करते हैं यहाँ पे गाड़ी अपनी। और देखो भैया गार्ड भैया बैठे हुए मस्त, आज तो जोगिया हो गया, कलर पहन करके बैठे हैं मस्त है। लो चला के देखो भैया, देखो गार्ड भैया हमारे जो चला के देख रहे हैं मस्त आज KTM। हाँ वो देखो भैया चला रहे रख भाई, ये भाई ओ भाई कैसी है। तो भैया बस यहाँ पे थोड़ी देर में जा रहे हैं, फिर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। फिर आपको देख सकते हो हम भैया कानपुर टर्मिनल एयरपोर्ट की वीडियो एकदम मस्त बना करके जो है निकल चुका है। गार्ड साहब जो हमारे बगल बैठे वो देखो जो स्माइल मार रहे मस्त वाली। और ओ भाई टायर भैया स्पिन मारते हैं भैया खतरनाक वाले। और अभी जो है फटाक से सीधे निकलना है वापस बाहर की ओर। ये देखो ओ भाई क्या लीन थी भाई, मजे आ जाते हैं यार हमें लीन करने में कसम से। ये देखिए भाई मजेदार लीन भाई, एक नंबर वाले लीन करते भाई। क्या हो गया भैया इतनी देर से क्यों पलट के देखा जाता, मैं ये चीज नहीं समझ रही। तो भाई अभी जो है क्या हो रहा है कि जा रहे हैं चिराके और जूते देख सकते हो कितने ज़्यादा जो है गंदे हो चुके हैं। और फटाक से जो है पहुंच रहे चिराके, लग रहा बच्चों के जो है ना छुट्टी। यार लड़की के चेहरे पे स्माइल देख रहे थे, मतलब क्या ही स्माइल थी वो, मतलब तो सोच सकते हो मतलब क्या सोच कितना स्माइल मार रही थी बेटा। आज चिल्ड्रन डे था इसलिए ज़्यादा स्माइल मारी जा रही थी क्या भाई, पता नहीं चलता क्यों इतनी ज़्यादा स्माइल मारी जाती है, बट आई डोंट नो भाई। और अभी जो हम निकलते सीधे भैया जो नीचे कर लेना, ये देखो भैया कैसे पलट के देखते हैं बच्चे। बच्चों के जब रिएक्शन नोट होते हैं ना तो उसमें ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आती भाई। भैया लग रहा रेस लग गई आई थिंक, हमें लग रहा है पाचे वाले से। Yeah! अबे भाई हमें लगा चालक से रेस लगा दी देखा पता नहीं जाती देखे जहाँ लेकर के गए गाड़ी भाई कहते अरे भाई कहाँ यार रेस करेंगे। अबे भाई भाई पीछे वाले के रिएक्शन देखने वाले थे भाई, उसकी तो हवा बत्ती गुल हो गई। कभी कभी ऐसे सीन जब मिल जाते ना तो भाई बड़ी मजा आ जाती यार कसम से सच बता रहे हैं। भैया हमको देख लो हम जो है कहाँ पे हैं, पुल पे हैं और कितना प्यारा जो है गजब का सीन लग रहा है इधर उधर भी। और सामने भैया जो हमारे बेलिनो जा रही है और हम जो है धीरे धीरे जो है जा रहे भैया चिराग के पास। ये वो देखो वो भाई सीन जब मिलते ना ऐसे तो मजा आ जाती कसम से। बच्चा है और हमारे भैया बाहर बैठे हुए हमारे ये चिराग भैया पलथी अलथी मार करके घर से भगा दिए गए हो क्या। तभी जो है ये भैया बाहर बैठे हुए घर के। गरीब आदमी यार, अरे गरीब तो हम है यार, पेट्रोल नहीं डला पा रहे, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है यार, निकाल के फेंको। हाँ हाँ और तुम कुछ नया बताओ भाई, अभी जो है चिराग के आगे देख लो यहाँ क्या हो रहा है। चिराग भैया जो हमारी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट निकालने में एकदम हो गए परेशान, एक भी मिल नहीं रही चाबी में। भाई पे वो 13 या 14 नंबर लगेगी, 13-14 नंबर लगेगी उसमें। भैया अभी थोड़ी देर में जो है गाड़ी का एग्जॉस्ट निकलेगा, रुको एक्सीडेंट 13-14 ये रही फटे इन फाड़ी देते हैं। भाई मेरे कान पड़ गए यार, जाओ टहल करके आओ जाओ। भाई खतरनाक रेस है भाई। ओ भाई यहाँ रेस आ रही है खतरनाक आवाज आती है गाइस कसम से सच में। Ha ha ha!
कैसी लगी साउंड? गाड़ी पागल हो रही है फिर से। तभी भाई मैं नहीं लगाता, यही वजह है। इसे वापस इंसान बना दो भाई, लोगों की मुंडियां ऐसे घूम जा रही है, लोग डर जा रहे कौन सी गाड़ी आ रही है। पूरे खड़े हो गए। ठीक है ये क्या हुआ? काफी ज्यादा मजा आ गया यार। चिराग यहाँ जो है ना गाड़ी का जो एग्जॉस्ट हटाया था, देन उसके बाद साउंड सुनते भाई क्या साउंड हो गई थी गाड़ी का, नेक्स्ट लेवल वाली साउंड हो गई थी। मजा आ गई थी गाइस, मजा ऐसा लग रहा था कि किसी ने पड़ाका फोड़ दिया पूरे मोहल्ले में सन्नाटे के बाद, और एक अचानक से इतनी तेज साउंड, तो लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या हो गया मार्केट में। ओ भैया कैसे चला रहे हो यार? भाई मेरे क्या होता है यार, अभी तुम्हारे चक्कर मुश्किल लड़ती। सो गाइस अभी जो है ना कानपुर के ब्लॉगर ने भैया जो है रिक्वेस्ट जो है भेजी थी हमें, क्या बोलते हैं ब्लॉगर्स मीट की। सो हम जो वापसी रिटर्न आ गए थे नवस्था, लेकिन अभी हमें याद आया ब्लॉगर्स मीट पे जाना है, एंड इतनी देर से हम वहीं पे बैठे हुए थे। सो याद करो भाई, हम इतनी देर से वहीं बैठे हुए थे एंड फिर वापस जा रहे हैं यार, क्या बताएं यार। सो वापस जा रहे हैं ब्लॉगर्स मीट में आज जो है भाई, मज़ा आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस ब्लॉग में आपको जो है मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें जो इस ब्लॉग में आप लोग को आज मिली कसम से यार। मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है यार कि जब इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं, और सच में बताएं काफ़ी ज़्यादा दिल खुश होता है। तो पहुँच रहे सीधे ब्लॉगर्स मीट जहाँ हो रही है, यही है आई थिंक। सो फाइनली भाई हम लोग जो है कहाँ आ गए हैं, बैकयार्ड क्लब में, और यहाँ पे जो है अभी जो है ब्लॉगर्स मीट होने वाली है। सो गाड़ी से जो है उतरते हैं, और गाड़ी जो है देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने पार्क कर दी है, और शूज़ देख लो काफ़ी ज़्यादा जो है गंदे हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है एयरपोर्ट्स की और चिराग का जो है वीडियोज़ वगैरह बना करके आए थे। एंड थोड़ी देर जो है यहाँ पर इंजॉय करते हैं, देन उसके बाद सीधे जो है निकलते हैं घर की ओर। अभी जो है यहाँ से जो है निकलना है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।